हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आप सभी को स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में होने वाला पहला T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में। तो भाई ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, A to Z सारे अपडेट आपको मिलने वाले हैं। आपको मैं बताऊंगा विकेट कीपर डिपार्टमेंट में किसको लेना चाहिए, उसका भाई बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर वापस आ चुके हैं भाई, एक अच्छा साइन है हमारे लिए भी और हमारे हिंदुस्तान टीम के लिए भी। तो ये भी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में भाई 2 से 3 ऑलराउंडर आपको मैं पिक करने के लिए सलाह दूंगा, वो 2-3 ऑलराउंडर कौन रहने वाले ये भी जानकारी आपको मैं बताने वाला। उसके बाद गेंदबाजी डिपार्टमेंट में इकोनॉमी वाइज बॉलर कौन है और कितने बॉलर अच्छे विकेट ले रहे हैं, लीडिंग विकेट टेकर कौन है, वो भी प्लेयर्स को यहाँ पर पिक करके आपको मैं दिखाने वाला। तो A to Z सारे अपडेट्स आपको इसी वीडियो पे मिलने वाले हैं। तो ये पहला T20 मैच है भाई, भारत के टाइम के अनुसार ये मैच है, रात को 7 बजे खेला जाएंगे। अभी भी मैच स्टार्ट होने में काफी टाइम बचे, तो पूरी डिटेल एनालिसिस होगा भाई। और यहाँ पर ये जो मैच है, ये पिच जो है भाई बैटिंग के लिए फेवरेबल है, एक अच्छा स्कोर आपको बनते नजर आएंगे और पेस बॉलर्स को यहाँ पर मदद मिलने वाले हैं भाई। और एवरेज जो स्कोर है यहाँ पर 175 से 200 तक भी जा सकता है, दोनों टीम काफी स्ट्रांग है। उसके बाद वेन्यू की बात किया जाए तो यहाँ पर पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन इस बिंद्रा स्टेडियम मोहाली इंडिया में होने वाला, तो काफी प्लेयर्स के लिए होम ग्राउंड रहने वाले हैं भाई। काफी पंजाबी प्लेयर्स यहाँ पर हमारे इंडिया टीम में भी है, कौन कौन सा प्लेयर, जितेश शर्मा है भाई, शुभमन गिल है, उसके बाद अर्शदीप सिंह भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर तीनों प्लेयर पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो पंजाब में यहाँ पर ये सारे प्लेयर्स के लिए होम ग्राउंड रहने वाले हैं। तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं भाई, यहाँ पर टीम को बना के आपको मैं दिखाने वाला हूँ, कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए सब कुछ यहाँ पर आपको मैं शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले भाई, पहले बार आप हमारे चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसके साथ साथ घंटी वाला आइकॉन को क्लिक करना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा भाई आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो। एक और बात है भाई, फाइनल टीम फर्दर अपडेट जो भी होगा आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल को मस्ट एंड शुड ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, वहीं पर आपको सारा अपडेट मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे चुका हूं। तो चलिए अभी आपको मैं बताऊंगा विकेट कीपर में किसको लेना चाहिए। तो यहाँ पर विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में भाई आप देख लीजिए, यहाँ पर इब्राहिम अली खिल है भाई, और उसका भाई रहमान उल्ला गुरबाज है, और यहाँ पर आपको संजू सैमसन, जितेश शर्मा भाई। तो यहाँ पर आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, रहमान उल्ला गुरबाज यहाँ पर आपको प्लेइंग 11 पे जरूर नजर आएंगे, संजू सैमसन की अभी भी गारंटी नहीं है भाई कि प्लेइंग 11 में खेलेंगे या नहीं। उसका बाद जितेश शर्मा अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप है भाई, वहां के लिए इनको तैयारी किया जा रहा है। और उसका भाई इब्राहिम अली खिल बहुत सालों के बाद कम बैक किया भाई, वर्ल्ड कप में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। और विकेट कीपिंग स्किल्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर रहमान उल्ला गुरबाज से इनका ही अच्छा विकेट कीपिंग स्किल है। लेकिन ये चार प्लेयर्स है मैं एक ही प्लेयर को पिक करूंगा, और वो जो प्लेयर है भाई यहाँ पर रहमान उल्ला गुरबाज के साथ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि रहमान उल्ला गुरबाज ओपनिंग पे आते हैं भाई, विकेट कीपिंग अगर ये करेंगे तो आपको कैश स्टंप्स पॉइंट मिल जाएंगे। अगर इब्राहिम अली खिल खेलते हैं तो आप ओनली एक प्लेयर को पिक कीजिएगा, वो रहेगा भाई जितेश शर्मा। जितेश शर्मा को आप ऐड कर लेना, क्योंकि भारत की ओर से आपको जितेश शर्मा करेंगे। अगर संजू सैमसन जितेश शर्मा दोनों खेलने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बैटिंग ऑर्डर है इंडिया का बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों में से एक ही विकेट कीपर आपको खेलते नजर आएंगे भाई, चाहे वो जितेश शर्मा हो संजू सैमसन हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जितेश शर्मा खेलने की चांसेस बहुत हाई है, और संजू सैमसन को मौका इस बार भी नहीं मिल सकता, मिलेगा भाई सीरीज में, लेकिन यहाँ पर ज्यादा चांसेस तो जितेश शर्मा पे जा रहा है। और जितेश शर्मा एक बड़े शॉट्स लगाने में भी माहिर है, संजू सैमसन भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी यंग प्लेयर है भाई, और T20 अपकमिंग जो वर्ल्ड कप है उसके लिए तैयारी किया जा रहा है, IPL भी देखा जाएंगे। उसके बाद ऋषभ पंत यहाँ पर अभी तो अवेलेबल नहीं है, उन पे भी एक नजर होगा भाई, अगर वो खेल लेते हैं। ईशान किशन है भाई, काफी प्लेयर्स है, अगर वो अच्छे खेल लेते तो उनको मौका मिलना 100% तय है। उसके बाद ये रहा भाई यहाँ पर विकेट कीपिंग सिलेक्शन पे, यहाँ पर मैं रहमान उल्ला गुरबाज को पहले मैंने कंफर्म कर लिया। उसके बाद आते हैं मैं बैटिंग डिपार्टमेंट में, तो बैटिंग डिपार्टमेंट में भाई यहाँ पर आपको काफी प्लेयर्स है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल भाई, ये तीन प्लेयर्स है यहाँ पर आपको भारत के लिए। लेकिन रोहित शर्मा, शुभमन गिल आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे भाई, लेकिन यहाँ पर SSV जयसवाल भी यहाँ पर ओपनर प्लेयर है भाई, तो शुभमन गिल को यहाँ पर ड्रॉप करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अपकमिंग विराट कोहली बताया जाता है यहाँ पर शुभमन गिल को, तो यहाँ पर आपको इनको ड्रॉप करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अभी फिलहाल इनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप इनको जितना ज्यादा मैचेस खिलवाएंगे उतना फायदा रहेगा भाई भारत टीम के लिए। तो यहाँ पर SSV जयसवाल अगर ये खेलते हैं, अगर SSV जयसवाल खेलते हैं तो शुभमन गिल को ड्रॉप होना पड़ेगा, रोहित शर्मा तो ड्रॉप नहीं होंगे भाई, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप नजदीक है और यहाँ पर वो इस टीम का कप्तान है। तो यहाँ पर आपको रोहित शर्मा जरूर खेलेंगे,
उसके बाद यहाँ पर रहमा शाह, इब्राहिम जदरान, तिलक वर्मा काफी प्लेयर है, लेकिन यहाँ पर आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन दोनों में मैं एक ही प्लेयर के साथ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं विराट कोहली को पिक करूंगा भाई। आप चाहे तो रोहित शर्मा को ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद शुभमन गिल, यहाँ पर होम ग्राउंड है भाई, इनकी होम कंडीशन यहाँ पर एडवांटेज मिल सकता है, तो इनको मैं टीम पे ले रहा हूँ भाई। रिंकू सिंह मेरे टीम पे रहेंगे। उसके बाद हजरतुल्ला जज्जा, इब्राहिम जदरान, रहमा शाह, तो यहाँ पर आपको इब्राहिम जदरान को ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इब्राहिम जदरान के पास काफी स्किल है और ये बड़े बड़े शॉट्स खेलने में भी माहिर है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं चार बल्लेबाज को यहाँ पर मैंने कंफर्म कर लिया, विराट कोहली, शुभमन गिल, रिंकू सिंह, इब्राहिम जदरान और एक विकेट कीपर रहमानुल्लाह गुरबाज है भाई यहाँ पर। तो उसके बाद आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो ऑलराउंडर सेक्शन पे आपको किस किस प्लेयर को लेना चाहिए, तो ऑलराउंडर सेक्शन पे भाई यहाँ पर आपको वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, शिवम दुबे को तो मौका मिलना की चांसेस बहुत कम है। उसके बाद मोहम्मद नाबी, अक्षर पटेल, अजमतुल्ला, उमर जाए भाई, तो अजमतुल्ला, उमर जाए आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, तो आप चाहे तो ट्राई कर लीजिएगा भाई, लेकिन इनको मैं ट्राई नहीं करूंगा। तो यहाँ पर मोहम्मद नाबी एक अच्छा पिक है भाई, अक्षर पटेल यहाँ पर आपको चार ओवर करते नजर आ सकते हैं, लेकिन अक्षर पटेल को आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा भाई, यहाँ पर चार गेंदबाजी हम लेके जाएंगे तो हमारा टीम स्ट्रांगली बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो ऑलराउंडर्स को यहाँ पर मैंने पिक कर लिया। आप चाहे तो भाई यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं इनको अवॉइड करने वाला हूँ। अभी आते हैं भाई गेंदबाजी डिपार्टमेंट में। तो गेंदबाजी डिपार्टमेंट में दो स्पिनर को आप यहाँ पर पिक कीजिएगा भाई, रशीद खान, कुलदीप यादव, ये दोनों प्लेयर कंफर्म रहेंगे। उसके बाद आते हैं भाई अर्शदीप सिंह, नवीन उलक, रवि बिश्नोई, काफी प्लेयर्स हैं, लेकिन इनमें से कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको नवीन उलक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रशीद खान, कुलदीप यादव, दो स्पिनर को यहाँ पर हमने कंफर्म कर लिया। उसके बाद भाई यहाँ पर आपको काफी प्लेयर्स है, अवेश खान, अर्शदीप सिंह, तो अर्शदीप सिंह यहाँ पर इस टीम का मेन फेस अटैक है भाई भारत टीम के लिए, तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह तो जरूर रहेंगे। नवीन उल हक है भाई यहाँ पर, मुजीबुर रहमान, रवि बिश्नोई, खायस अहमद, नूर अहमद, काफी प्लेयर्स है, मुकेश कुमार है भाई, तो यहाँ पर मुकेश कुमार को आप पिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेथ ओवर्स पे आपको ये बॉलिंग अच्छा करके देने वाला है। उसके बाद अक्षर पटेल को यहाँ पर नाभी की तो हमने पिक कर लिया भाई, तो एक अच्छा टीम यहाँ पर बन गया, लेकिन इसमें भी यहाँ पर कुछ प्लेयर्स मिस हो रहे हैं भाई, बड़े प्लेयर। तो बड़े प्लेयर्स में भाई रोहित शर्मा है, यहाँ पर रोहित शर्मा को ट्राई कर सकते हो। हजरतुल्ला जज्जा भाई एक ओपनिंग दौर पे खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर इब्राहिम जदरान बार इसके साथ है रहमानुल्लाह गुरबाज ओपनिंग पे आएंगे, तो हजरतुल्ला जज्जा आपको वन डाउन पे खेलते नजर आ सकते हैं भाई, लेकिन वन डाउन पे खेलना काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बड़े शॉट्स इनकी जो पहला जो पावर प्ले रहते हैं भाई उनको फायदा उठाना है, तो हजरतुल्ला जज्जा ओपनिंग पे आना मकसद रहेगा अफगानिस्तान टीम की। तो यहाँ पर हजरतुल्ला जज्जा को आप ड्रॉप कर लेंगे ना, यशस्वी जायसवाल अगर ये खेलते हैं भाई, तो यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन किस प्रकार सुधारेंगे मुझे बताने, क्योंकि भाई यहाँ पर आप देख लीजिए आपको पहला जो नंबर है भाई रोहित शर्मा, विराट, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उसके बाद विराट कोहली है भाई। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जयसवाल, तिलक वर्मा है, रिंकू सिंह है भाई यहाँ पर, उसके बाद जितेश शर्मा है, अक्षर पटेल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह भारत की लाइनअप यहाँ पर फिल हो चुका है, और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हम रोहित शर्मा को ऐड कर सकते हैं भाई। अगर आप यहाँ पर नाभी को अगर ड्रॉप करना चाहोगे, नहीं तो यहाँ पर आप इब्राहिम जदरान को ड्रॉप करना चाहोगे, तो आप टीम में ले सकते हो, एक बदलाव दो बदलाव कर सकते हो। उसके बाद भाई यहाँ पर आपको गेंदबाजी डिपार्टमेंट में नवीन उलक है भाई, इस टीम का मेन फेस बॉलर है, तो आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। मुजीबुर रहमान यहाँ पर T20 स्पेशलिस्ट बॉलर है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो भाई। रवि बिश्नोई यहाँ पर आपको खेलते नजर आएंगे, नूर अहमद है, तो काफी बॉलर्स है भाई यहाँ पर, लेकिन आपको एक दो टीम यहाँ पर नहीं मिलने वाले भाई। टेलीग्राम पे आपको मैं फिलहाल के एक ही टीम बना रहा हूँ, ये जो टीम है भाई आपको स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए भी यूजफुल रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे भाई आपको दो, एक से दो टीम, मतलब दो टीम आपको जरूर मिलने वाला है, क्योंकि एक टीम बनाना काफी मुश्किल है क्रिकेट, लेकिन आपको दो बेस्ट टीम मिलने वाले भाई टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को मस्ट एंड शुड ज्वाइन कीजिएगा, वहीं पर आपको सारा अपडेट्स मिलेगा, A to Z सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे भाई, बस आपको ज्वाइन करके रख लेना है। तो चलिए अब लेट नहीं करते भाई, यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पे किस किस प्लेयर को लेना चाहिए, तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे काफी प्लेयर्स है भाई यहाँ पर, तो आपको मैं बता चुका हूँ ये जो हमारा टीम बनता है एक ही टीम बनाता हूँ, और टीम स्मॉल लीग के साथ है, ग्रैंड लीग के लिए भी अच्छा रहता है, तो यहाँ पर मैं कैप्टन पे भाई शुभमन गिल के साथ जा रहा हूँ, फिलहाल इनका फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन ये प्लेयर को मैं कैप्टन बना रहा हूँ। और वाइस कैप्टन पे अगर देखा जाए भाई यहाँ पर आपको रशीद खान, कुलदीप यादव, हरदीप सिंह, मुकेश कुमार है, तो यहाँ पर आपको कौन सा प्लेयर अच्छा है, तो यहाँ पर मैं इब्राहिम जदरान के साथ जा रहा हूँ। इब्राहिम जदरान भाई यहाँ पर क्योंकि इनकी बैटिंग स्टाइल काफी अलग है और एक बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, अभी इस टीम का कप्तान है भाई, तो यहाँ पर ये मैनेजमेंट काफी अच्छे करने वाले और ये प्लेयर के पास काफी स्किल भी है, तो आप इनको यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों प्लेयर्स को मैंने बना लिए। लेकिन यहाँ पर आपको अगर चॉइस चाहिए कैप्टन वाइस कैप्टन पे भाई काफी प्लेयर्स हैं, यहाँ पर आपको रहमानुल्लाह गुरबाज है भाई, विराट कोहली यहाँ पर एक अच्छा पिक है, रिंकू सिंह आपको यहाँ पर फिनिशिंग रोल पे नजर आएंगे लेकिन इनको ज्यादा मौका नहीं मिलने वाला है। उसके बाद भाई यहाँ पर ना भी एक अच्छा पिक है,
और यहाँ पर गेंदबाजी डिपार्टमेंट में रशीद खान, और यहाँ पर अब ये चारों जो बोलर्स नजर आ रहे हैं भाई, ये चारों बोलर्स आपको काफी बढ़िया पिक है अगर आप 6 से 20 ग्रैंडली टीम अगर आप बनाते हो तो। ये जो मैंने 8 प्लेयर का नाम लिया भाई, ये 8 प्लेयर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिंकू सिंह को आप ड्रॉप कर सकते हो, उसके बाद भाई यहाँ पर मोहम्मद नाबी को आप ड्रॉप कर सकते हो भाई। लेकिन यहाँ पर जो 6 प्लेयर्स का नाम मैं ले रहा हूँ, रशीद खान, कुलदीप यादव, हरदीप सिंह, मुकेश कुमार, विराट कोहली, रहमानुल्लाह गुरबा, ये जो 6 प्लेयर्स है भाई, आपको अगर 6 से 20 ग्रैंडली टीम बनाते हो तो ये प्लेयर्स को आप जरूर ट्राई कर लेना मेगा ग्रैंडली के लिए, और ये आपको फायदा भी रहने वाला। फिलहाल के लिए ये हमारा टीम रहेगा भाई, रोहित शर्मा को आप ट्राई करना क्योंकि बड़े शॉट्स खेल सकते हैं और इंडिया पिचेस पे इनका रिकॉर्ड काफी बेहतर है, तो आप उनको भी ऐड कर लेना। रिंकू सिंह की जगह रोहित शर्मा को भी आप टीम में ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए ये हमारा टीम बन गया भाई, इस टीम को मैं सेव करके रख लेता हूं क्योंकि लाइनअप अनाउंस होने के बाद हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यहां पर मैं बैकअप तो अभी ऐड नहीं करूंगा। तो फिलहाल के लिए हमारा टीम बन चुका है भाई, यही हमारा टीम है। फाइनल टीम फर्दर अपडेट जो भी होगा आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको कुछ चेंजिंग जो भी रोहित शर्मा को अगर मुझे लेने के लिए मन करेगा भाई, तो वहीं पर जो भी चेंजेस होगा वहीं पर होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को मस्ट इनशॉर्ट ज्वाइन कर लेना। तो मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त करता हूं, नेक्स्ट जो मैच उसको भी कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।